हेलो स्टूडेंट वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास स्टूडेंट एम जे पी यूनिवर्सिटी वालों के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ आया ये न्यूज है सेकंड ईयर के एग्जामिनेशन वाले बच्चों के लिए तो आप जल्दी से देख लीजिए बड़े रहिए हमारे साथ वीडियो में हम लास्ट तक आपको बताएंगे कि कब आपके एग्जाम है तो एग्ज़ाम डेट शीट आ चुकी है एम जे यूनिवर्सिटी की और टेंटेटिव है ये एग्जाम डेट शीट तो इसमें कुछ ही बदलाव होगा तो आप देख लीजिए अगर बदलाव हुआ तो होगा नहीं तो हो भी नहीं ऐसा भी हो सकता है कि बदलाव ना हो फाइनल ईयर भी यही फाइनल लिस्ट भी यही हो सकती है तो आप देख लीजिए आपको दिखा देता हूँ मैं क्या है आपकी एग्जाम डेट और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए जिससे सब लोगों को ये वीडियो मिलती रहे तो देखिए आपका एम जी यूनिवर्सिटी का ये एग्जाम है छः ग्यारह छः सूंदर बाईस से स्टार्ट है एम का जो सात बज वच, सात बजे से दस बजे तक का है फिर ग्यारह बजे से दो बजे तक का है और तीन बजे से छः बजे तक का है तीन मीटिंग है आपकी तो पहली मीटिंग में एम ए यहाँ दिख रहा है उर्दू फर्स्ट है एम ए में यहाँ पर सेकेंड ईयर का यहाँ पर हिंदी फर्स्ट का है और थर्ड पे उसमें है एम फर्स्ट ईयर संस्कृत का है तो आप देख लीजिए जब आपका जो जो सब्जेक्ट हो आपके एम में और या एम में आपके जो एग्जे जो जो सब्जेक्ट हो वो आपके एग्ज़ाम की आप टिक कर लीजिए देख लीजिए कि कौन कौन से एग्ज़ाम आपके कब हैं और तैयारी पूरी की पूरी जोरों से चालू कर दीजिए क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि एग्जाम आने के बाद जल्दी से जल्दी एग्जाम कराने के लिए यूनिवर्सिटी ने पहले से ही बोल रखा था कि जल्दी से जल्दी एग्जाम कराएगी जैसे कि पूरा का पूजा सेशन लेट ना हो जाए तो आप देख रहे हैं जैसे ही फर्स्ट ईयर वालों के फर्स्ट सेम वालों का एग्जाम बहुत जल्दी से हुए थे ऐसे ही ये फाइनल ईयर वाले सेकंड ईयर वालों के आपके भी एग्जाम बहुत जल्दी होने वाले हैं तो प्लीज अपनी तैयारी पूरी कंटिन्यू जारी रखिए और तेज कर दीजिए तैयारी जो भी अभी हल्कल्के पढ़ रहे हैं और क्योंकि आपकी एग्जाम डेट शीट आ चुकी है और ये वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे कि सारे लोगों का फायदा हो और आप बने रहिए हमारे साथ में क्योंकि हम एम जेपीघन यूनिवर्सिटी की सारी न्यूज आपको बता दे रहे हैं पल पल की न्यूज एम जे पीवन यूनिवर्सिटी की आपको इस चैनल पर मिलेगी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आप देख लीजिए आपके एग्जाम कब से हैं मैं आपको बता दूँ पूरे के पूरे एग्जाम जो ग्यारह तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं ग्यारह छः सौ से स्टार्ट होने वाले एग्जाम हैं तो आपकी लिस्ट मैंने पूरी की पूरी जारी कर दी है आप वीडियो को पोष्ट कीजिए और बार बार या फिर वीडियो को देखिए अपना लिखते जाइए सारे के सारे आपके जब भी एग्जाम जो भी आपका पेपर है उससे मैच कीजिए पेपर कोड देखिए उसके बाद में अपने नाम के अपनी डेट और पूरा लिख लीजिए कि आपका एग्ज़ाम कब है तो बने रहिए है हमारी पूरी वीडियो में आपको पूरी की पूरी एग्जाम डेट शीट दिखा देता हूँ मैं ये देखिए बीस तारीख से 20 तारीख को जो आपका एम एस एम एस एम एम एस सी का यहाँ पर रीच यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पे ये थर्ड वाले पेपर में 20 तारीख को यहाँ पे एम का दिया हुआ है फिर यहाँ पे आप देखिए इक्कीस तारीख को है इंग्लिश का भी है एम का ठीक है ऐसी एजुकेशन का है एम में फिर यहाँ पे 21 को दिया है एम ठीक है ट्वेंटी इकोनॉमिक्स का है शायद और फिर इसके बाद में इकोनॉमिक्स का भी है इसमें फाइनल ईयर का और एम का तो आप देख लीजिए तीन जो आपके टाइम टेबल हैं उसमें कब आपका एग्ज़ाम है ठीक है जो टाइम टेबल का मैंने बता रखा है कि इसमें पूरा टाइमिंग दे रखी है एक मॉर्निंग वाली शिफ्ट है एड मिड है और एक फिर लास्ट में इवनिंग वाली शिफ्ट है छः बजे तक वाली ठीक है तो सात से सात से दस ग्यारह से दो और तीन से छः तो ये तीन सेफ्टों में आपके एग्ज़ाम होंगे तो आप देख लीजिए आपका एग्ज़ाम कब है कौन सा आपने पेपर एम ए में एम में जॉन जॉन से जो भी आपके पास पेपर हो जिस सब्जेक्ट से आप एम या एम कर रहे हैं वो आप देख लीजिए ठीक है पूरी न्यूज़ जो एम जे यूनिवर्सिटी की ऑफिस साइड से अभी मिली है वो आपको मैंने आपके दे दिया है ठीक है आप देख लीजिए ये न्यूज़ है और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अभी अभी जो एक न्यूज़ और आ रहा है कि जो इकोना एम जे पी यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर के जो फार्म थे ठीक है उनका डेट एक्सटेंड हो गया है मतलब डेट बढ़ गया है तो अगर आप अभी इक्कीस तारीख जो लास्ट थी भरने के लिए डेट थी आज अब वो बढ़ा दी गई है अब वो ट्वेंटी फाइव या ट्वेंटी सिक्स हो चुकी है कि आप ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स तक मतलब चार या पाँच दिन तक और भी आपको मिलेंगे ठीक है अगर वीडियो अच्छी लगी हुई आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ में और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें क्योंकि आपके दोस्त एम एस सी एम ए कहीं भी हो सकते हैं ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट